हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत करता हूँ जेड एन इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मेरे पास एक इंडक्शन आया है बजाज कंपनी का, और इसका प्रॉब्लम क्या है, वो बर्तन सेंस कर रहा है, सो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे रिपेयर करना है मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके दिखाएंगे। देखिए, इसको लाइन दे के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बर्तन सेंस कर रहा है और चोर रहा है। देखिए, और एम्पियर मीटर पे देखिए, जब बर्तन सेंस कर रहा है, देखिए देखिए 3, 4, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर पे जा रहा है, और फिर और देखिए। तो कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और फ्रेंड्स, देखिए मैंने पीसीबी को ओपन कर लिया, तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो आप लोगों को क्या क्या चेक करना है वही आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो इसको कई लोग हीटिंग प्रॉब्लम, किसी लोग स्लो हीटिंग प्रॉब्लम, और कुछ लोग मिल्क मूड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो इस वो क्यों होता है, देखिए अगर आपका, देखिए यहाँ का जो 500 UF का कैपेसिटर है वो अगर डाउन हो जाएगा तो इस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और देखिए यहाँ पर एक प्रीसेट है 500 ओम्स का, देखिए ये वाला, अगर वो प्रॉब्लम होगा या ओपन हो जाएगा तो भी इस तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आइए इसको एक बार चेक करके देखते हैं। इसमें आके पहले बार आपको लाइन दे के डीसी बोल्ट को चेक करना है, सही बोल्ट आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर सीरीज बोल्ट है, वो मैंने देखिए फ्रेंड्स, पहले आपको डीसी बोल्ट मैंने प्लग को करंट में लगा लिया, देखिए, और इसके बाद आपको डीसी बोल्ट को चेक करना है प्रॉपर डीसी बोल्ट आ रहा है कि नहीं। देखिए मीटर पे 331 बोल्ट, मतलब आपका जो कैपेसिटर है वो सही है। तो इस कंडीशन में आपको एक बार प्रीसेट को ज़रूर एक बार चेक करना है। तो प्रीसेट को चेक करने के लिए आपको मीटर का जो बार्जर मोड है इसको सिलेक्ट करना है आपको। देखिए 98 ओम्स बता रहा है, मतलब वो सही है। और देखिए आपको जो आपका प्रीसेट में ग्राउंड सिग्नल प्रॉपर नहीं जाएगा तो ही वो प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो ग्राउंड है IGBT का इमीटर पॉइंट, यहाँ से आपका जो प्रीसेट का लाइन है, देखिए यहाँ पर एक ट्रैक है, वो वाला ट्रैक, इसको फॉलो करना है आपको। प्रॉपर ग्राउंड जरा ही जा रहा है नहीं, देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर नहीं, और यह देखिए प्रीसेट पर जो ग्राउंड सिग्नल है वो नहीं पहुँच रही है, इसलिए वो प्रॉब्लम आ गया। देखिए फ्रेंड्स, पीसीबी का कंडीशन देखिए, यहाँ पर जो ट्रैक है पीसीबी का, देखिए
देखिए यहाँ से ग्राउंड का एक यहाँ पे एक जम्पर है, जम्पर के द्वारा देखिए यहाँ पे जो ट्रैक है, इस ट्रैक में प्रॉब्लम आ गया, कितना साल पर आ गया देखिए। इसलिए प्रॉपर ग्राउंड आपका जो प्रीसेट है यहाँ पर 500 ओम्स का ये वाला प्रीसेट, इसमें प्रॉपर ग्राउंड नहीं मिल रहा है, और नहीं मिलने से आपका जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है वही वाला, यहाँ पे प्रॉपर ग्राउंड नहीं मिलने से आईजीबीटी का स्विचिंग स्विचिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। अगर आईजीबीटी को प्रॉपर ग्राउंड नहीं मिलेगा तो ही ऐसा प्रॉब्लम आएगा। जितना ग्राउंड आपका जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी पे आना चाहिए, अगर इतना ग्राउंड नहीं आएगा तो प्रॉपर जो स्विचिंग है आईजीबीटी का वो आपको प्रॉपर स्विचिंग नहीं होगा, तो इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ गया। तो देखते हैं यहाँ पर एक मैंने एक जम्पर लगा दूंगा, जम्पर लगाने के बाद देखता हूँ ठीक होता कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो ग्राउंड है, ग्राउंड से एक वायर लेके आपका जो प्रीसेट है, प्रीसेट का इनपुट पे लगा दिया, जहाँ पर सिंगल लेग है यहाँ पे आपको लगाना है। इसके बाद एक बार लाइन दे के देखता हूँ। देखिए वो भी इसको एक बार चेक करता हूँ पैक करके। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा प्रॉब्लम अगर आती है आपका इंडक्शन में तो आप भी आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हो। पहले आपको सीरीज में लाइन देना है, देखिए बर्तन भी सेंस करने लगा है, और अब इसको डायरेक्ट करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वो भी नहीं चोर रहा है, प्रॉपर हीटिंग हो रहा है देखिए, और एम्पियर भी सही है देखिए, 4.8 एम्पियर। ठीक है, मेरा इंडक्शन प्रॉपर ठीक हो गया देखिए फ्रेंड्स, और एम्पियर देखिए कितना, 6.8 एम्पियर 1600 वाट में मैंने अभी 1000 वाट पे सेट कर दिया। 1000 वाट पे देखिए 4.7 एम्पियर। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और आने वाले और लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई दूसरी वीडियो के साथ।